प्रदेश कार्यकारिणी में बने उपाध्यक्ष हैं। पहले तो अपने जिले में जिला अध्यक्ष थे और अध्यक्ष जी ने अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया? आज कार्यक्रम ये किया गया है कि 2016 में हम लोगों ने रिट याचिका दायर किया था माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें 21 अप्रैल 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि इनको 6 महीने के अंदर योग्यता और क्षमता के आधार पर किसी भी विभाग में समायोजित कर दिया जाए। अभी 6 महीना हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसी के संदर्भ में आज हमारी बैठक हुई है। शासन में हम लोगों ने प्रत्यावेदन भी दिया है। 30 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी से 4-5 लोग हम लोग माननीय गोरखपुर में मंदिर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से महाराज जी से हम लोग मुलाकात भी किए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का सहयोग और कल्याण करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम तो यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का समायोजन के लिए शासनादेश जल्द से जल्द जारी कर दें। श्रीवास्तव गाजीपुर से और प्रदेश के 44 शिक्षा के उत्सव में बना हुआ है, उसके प्रदेश के और महिला प्रदेश के और अभी जो हमारी आज मीटिंग थी वो इसी पर्पज से, उसका यही प्रकरण था कि हम लोग उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगली रणनीति कैसे क्या करेंगे और शासन आदेश जारी कराने के लिए हम लोग प्रयासरत है। मुख्यमंत्री से मिला जाएगा, जिससे जरूरत पड़ेगी मिला जाएगा और हम लोगों को शासन आदेश जल्द से जल्द जारी करा करके हमारे सभी अंदेशों पर छुपा कर समर्थन कराना, यही मेरा कहना है। आज यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए थे? आज यहाँ पर 75 जिले से लोग आए हुए थे, समस्त यूपी के जिले में सब लोग हमारे प्रदेश